हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे? तो अभी मैंने वीडियो सुबह से ही स्टार्ट कर ली है। बाकी का दिन का तो पता नहीं मैं वीडियो बनाऊंगी या नहीं, क्योंकि जब भी मैं कैमरा उठाती हूँ तब शूट कर लेती हूँ, नहीं तो बस फ़ोन रखा ही रहता है, भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ चने। चने मैंने पहले उबाल लिए थे तो ये बांकली नहीं खाते, इसी वजह से मैं इनके छोंके दूंगी लंच में, यही पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाल लिया था, उसमें जीरा और प्याज, प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तब तक मैं टमाटर काट रही हूँ। यहाँ पे इसको छोंक को अक्की चला रहा था कि तैयार हो चुका है स्कूल के लिए, और आके फिर यहीं पूछ रहा था कि मम्मी लंच में क्या दे रहे हो। तो फिर वो देख के खुश हो गया कि चने अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस ये ब्राउन से होने लगा है छोंक। इसके बाद अभी मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी, धनिया, सौंफ, थोड़ी सी हल्की सी मिर्च डालूँगी क्योंकि बच्चे मिर्च ज़्यादा नहीं खाते, तो मिर्च में बहुत ही कम रखूँगी, और गरम मसाला डाल दूँगी ऊपर से। एक प्याज में इसमें अलग से काट के डाल दूँगी ऊपर से ताकि और भी टेस्टी लगे। और नींबू एक ही है, उसी में से ही कट करके चारों को दे देंगे, चारों बच्चों को, उसी में काम चल जाएगा। तो अभी ये ब्राउन सा हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, मसाले भी डाल दिए हैं। अभी मैं इसमें चने डाल दूँगी, हल्का सा नमक डाल दिया है, वैसे तो मैंने चने में भी डाला था, और आज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। इसके बाद अभी मुझे अक्के के पापा का भी लंच तैयार करना है क्योंकि वो भी सीधा ड्यूटी ही जाएंगे। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे सूजी की खीर बना दी है, आलू उबाल लिए हैं, आलू की पिट्ठी, रोटी और सूजी की खीर, ये दे दूंगी उन्हें। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आप सब भी ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक हैं। तो कल मार्केट गए थे, तो वैसे तो सारे कपड़े धुल चुके हैं मेरे ही रह रहे थे नए, अभी इनको धो के फैलाऊंगी। अब तो वैसे धूप तो जा चुकी है, टाइम 5 बज रहे हैं शाम के। मम्मी भी बाहर, अभी देखिए सूरज भी आ रहा है कमरे में, सूर्यदेव आ रहे हैं खिड़की में। को अब तो वैसे भी वो बढ़ गया है दिन, फर्क लग रहा है दिन को काफ़ी। और अब ये कपड़े मैं सोची थी कि कल धुल देती, पर कल फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा, कल नहीं धुलेंगे तो ये अभी धोने पड़ेंगे ईजी में। तो अभी मैं इनको धो के अंदर रूम में डालने पड़ेंगे, नहीं तो बाहर से तो बंदर ले जाएगा। कपड़े धोने के लिए जा रही थी, बच्चों की ड्रेस भी धोई थी, अभी उनको लाइट आई है तो ड्राई कर रही हूँ, उनको फैला दूँ। बंदरों की भागम भाग रहती है पूरा दिन, धूप आ रही है इधर तो अभी, यहाँ तक तो, यहाँ तो लेट तक धूप रहती है शाम तक भी। देखिए तो फ्रेंड्स, मैंने अभी दाल रखी है, काली दाल, और सारी किचन में इतना बुरा हाल हो गया दाल से, ढक्कन ख़राब है, रबड़ ख़राब है, पता नहीं चल पा रहा, सारी किचन में पानी पानी हो गया, बाढ़ आ गई। और अभी साफ किया है, सारी किचन को क्लीन किया है, काम फैल गया, और दाल बनाने में दिखाना पड़ेगा कुकर का ढक्कन, शायद इसकी रबड़ ख़राब है या फिर ढक्कन ही गिर के ख़राब हो गया है शायद, पता नहीं आवाज़ भी आ रही होगी या नहीं क्योंकि लीड लगा रखी है मैंने, और अजान लग रही है शाम की, इसकी भी आवाज़ आ रही होगी आप सबको। और ये देखिए ढक्कन भी सारा कैसा हो गया, मैं सारे किचन में दाल ही दाल फैल गई थी, अभी साफ किया है। बर्तन भी पड़े हुए हैं, बच्चों के लंच बॉक्स भी पड़े हुए हैं, अभी इनको साफ कर लेती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद काली दाल बनाई है आज, और पापा के लिए मैंने आलू उबाल लिए थे। देखती हूँ या तो पिट्ठी बनाऊँगी या फिर उनको आलू भर के रोटी में दूध के साथ में खा लेंगे, उनको ऐसे भी अच्छा लगता है। वैसे पिट्ठी से ज़्यादा तो वो आलू पिट्ठी भर के रोटी बना दो, वो पसंद करते हैं। जब इस तरह में से निकल लो, स्कूल का टाइम होने वाला, आधा घंटा रहा बस, चलो उठ जाओ, गुड मॉर्निंग बोलो। अभी मैंने अपनी वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग से शुरू की है क्योंकि कल क्लिप कम ही बनी थी, मैंने वो कर दिया। अब बोल, गुड मॉर्निंग, चलो उठ जल्दी, उठो जल्दी जल्दी, और ड्रेस पहन लो अपनी। अजय फ्लो के क्वार्ट क्यों खोल रहा है तू? बंदरों के लिए हैं? पता नहीं क्यों खोला था, किसी ने ढेर बंद हो गया। जर्सी पहन ली,
सुई ला दे जल्दी जाके। नहीं बटन कौन लग मारा किट्टू। हां किट्टू के साथ ही जाने का बिल्कुल नहीं पता था कि जल्दी जा पड़ेगा। बैग कहाँ है? बाहर रखे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सुबह को बहुत ज़्यादा काम रहता है तो नीचे झाड़ू मम्मी को ही लगानी पड़ रही है क्योंकि ऊपर भी बहुत सारा काम हो जाता है और नीचे मुझसे जाया नहीं जा रहा अब कई दिनों से झाड़ू लगाने के लिए, तो मम्मी लगा रही हैं झाड़ू और सारे में लग चुकी है, बस वहीं पर रह रहा था मशीन पर ही। मशीन पे टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगता है क्योंकि कुट्टी फैली रहती है और ये जो ईंट है इनमें भर जाती है, इनमें से निकालनी मुश्किल हो जाती है, कमर में दर्द होने लगता है ज़्यादा देर तक। तो अभी मम्मी ने सारे में ही लगा दी झाड़ू, बस यहीं पे रह रहा है, यहाँ पे भी पूरा हो ही जाएगा। देखिए बंदर से बचाने का तरीका। यो पौधा पता नहीं ऐसा क्यों रहता है, इसकी कितने भी केयर कर लो पर रहता ऐसा ही है, पत्ते सूखे सूखे से। नीचे पशुओं को घास कर दिया है मम्मी आज और पापा जी जा रहे हैं मोनिका के मायके में विभू से मिलने के लिए, मन कर रहा था। और जो छोटा सा बेबी उनके घर आया है उसको भी देखने के लिए गए हैं। मौसम आज ख़राब है, कल भी ख़राब था आज भी ख़राब है, बादल से हो रहे हैं पर अभी बारिश नहीं हुई। यहाँ पे सारा घर मैंने क्लीन करके छोड़ दिया था पर बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों ने दो चार सामान तो फैला ही दिए। ये देखिए बैग इनके यहीं पे रहते हैं, इनको उठा के स्टोर रूम में रखाएंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे नहीं लगते तो इनको हम उठा के स्टोर रूम में रख देंगे। यहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है हमारी गैलरी में, तो भी मेरी वीडियो काम आएगा। ये है पुदीना, सुखा लिया मैंने, बच्चे चटनी के लिए लाए थे, चटनी में डाल दिया और बच्चा जो उन्होंने सुखा लिया उसको मैं मट्ठे में डाल के छोंक के पी जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मट्ठे में पुदीना। आज बनाई थी मैंने खिचड़ी और खिचड़ी ये बच गई, आज कुकर भी नहीं धुला, अभी मैं कुकर धुला क्योंकि कुकर मुझे जब धुता नहीं ना अच्छा नहीं लगता। कान्हा जी का यहाँ पे निक्कर है, ये कल से याद ही नहीं रहा उठाना, इसको रखाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो कहीं पे एंड भी कर लेते हैं, मम्मी पापा जी आज गए हुए हैं मोनिका के वहाँ पे विभू को देखने के लिए, मन कर रहा था और फिर
जो छोटा सा बेबी आया है उसको भी देखने के लिए गए हैं। लाइट भी आ चुकी है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको ज़रा सी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे कमेंट भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वैसे मेरा अब वीडियो बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, क्योंकि पता नहीं इतने सारे फ्रेंड्स 10,000 तक तो चले ही जाते थे व्यू, अब पता नहीं वो जो देखते थे कहाँ चले गए, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए, आपने जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतना भी वीडियो देख ले तो थोड़ा सा सपोर्ट हो ही जाता है, मिल ही जाता है। तो प्लीज़ आप रोज़ थोड़ी सी ही वीडियो, ज़्यादा भी ना देखे तो थोड़ी सी तो आप एक बार चला ही दिया करें, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है और थोड़ी सी हिम्मत भी मिल जाती है आगे की वीडियो शूट करने की। लाइक भी कीजिए और लाइक से ये रहता है कि हाँ हमें भी पसंद कर रहे हैं आप सब। तो प्लीज़ आप सब मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर मान लीजिएगा।